हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में हम देखेंगे एसे राइटिंग पार्ट टू, और इस वीडियो में हम समझेंगे कौन कौन सी बेसिक गाइडलाइंस हैं जिनका हमें ध्यान रखना है वाइल राइटिंग एन एसे, और कौन कौन सी चीज़ें हमें अवॉइड करना है ताकि हम एक अच्छा एसे लिख सकें और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हम अचीव कर सकें सभी बैंकिंग, इंश्योरेंस और SSC एग्ज़ाम में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखना है जिस समय आप ऐसे लिखते हैं। व्हाट द बैंक पीओ ऐसे शुड रिफ्लेक्ट, मतलब जो ऐसे है उसमें कौन कौन सी चीज़ें रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। द ऐसे शुड गिव एन इम्प्रेशन दैट योर थॉट प्रोसेस इज ऑर्गेनाइज, मतलब ऐसे से ऐसे को पढ़ के ऐसा लगना चाहिए कि आपका जो थॉट प्रोसेस है, आपका जो सोचने का तरीका है, वो पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज है, और आपके जो आइडियाज़ हैं वो इंटरलिंक्ड हैं एक दूसरे से, एंड बेस्ड ऑन फैक्चुअल ऑब्जर्वेशंस। आप जो भी कुछ लिखते हैं, जो भी आइडियाज उसमें लिखते हैं, जो भी चीज़ आप एक्सप्रेस करते हैं, उसको फैक्चुअल डेटा से आपको सपोर्ट करना है। आपको एज्यूम नहीं करना है किसी भी चीज़ को, बल्कि फैक्चुअल डेटा से अपने स्टेटमेंट्स को आपको सपोर्ट करना है। इट शुड ऑल्सो शो दैट यू कैन गैदर रेलिवेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल द नॉलेज दैट यू हैव एक्वायर्ड अबाउट अ टॉपिक एंड कन्वे इट इफेक्टिवली। आपके पास जो भी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है उस टॉपिक के रिगार्डिंग, उसको आपको इफेक्टिव तरीके से एक ऑर्गेनाइज वे में आपको उसको कन्वे करना है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इसकी मदद से आप एक अच्छा ऐसे लिख सकते हैं। और दूसरा पॉइंट है व्हाट टू अवॉइड इन द बैंक पीओ ऐसे, क्या चीज़ें हैं आपको अवॉइड करना है। देखिए, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि क्वालिटी ओवर क्वान्टिटी, आपको क्वालिटी का ध्यान रखना है। उसमें रिलीवेंट पॉइंट्स लिखने हैं, कोई भी रिलीवेंट पॉइंट उसमें इंक्लूड नहीं करना है। इफ़ यू लैक इन्फॉर्मेशन ऑन द टॉपिक, अवॉइड पुटिंग इररिलीवेंट इन्फॉर्मेशन इन द एसे जस्ट टू फिल द स्पेस। केवल स्पेस को फिल करने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन को नहीं लिखना है, आपको किसी भी एसे में केवल रिलीवेंट इन्फॉर्मेशन ही लिखनी है, और अपने स्टेटमेंट्स को आपको डेटा के द्वारा, आपके पास जो डेटा है, जो इन्फॉर्मेशन है आपको आपके पास, उसके द्वारा उसको सपोर्ट करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, गिव इन्फॉर्म्ड ओपिनियंस इंस्टेड ऑफ स्टेटिंग एजम्पशंस। आपको कोई भी चीज़ एज्यूम नहीं करनी है कि ऐसा हो सकता है या ऐसा हुआ था या ऐसा होगा, आपको इन्फॉर्म्ड ओपिनियन देनी है और उन ओपिनियन को आपको डेटा के द्वारा सपोर्ट करना है। वेन एवर देयर इज ए चॉइस, डू नॉट सेलेक्ट अ डिफिकल्ट टॉपिक जस्ट टू इम्प्रेस द एग्जामिनर, पिक द टॉपिक दैट यू आर मोस्ट फेमिलियर विद एंड कैन बोलस्टर विद फैक्चुअल डेटा। मतलब एग्जामिनर को इम्प्रेस करने के लिए ऐसा टॉपिक मत चुनिए जो आपके लिए डिफ़िकल्ट हो, जिस पर लिखना डिफ़िकल्ट हो, जिसकी आपकी तैयारी नहीं है। एक सिंपल सा टॉपिक चुनिए और उसके बारे में आप अच्छे तरीके से लिखिए, और जो भी आप लिख रहे हैं उसको फैक्चुअल डेटा के द्वारा सपोर्ट आप ज़रूर करें। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनका आप ध्यान रखेंगे तो लिमिटेड टाइम फ्रेम में आप एक अच्छे ऐसे लिख सकते हैं और अच्छे मार्क्स आप अचीव कर सकते हैं। देखिए, हाउ टू स्ट्रक्चर योर बैंक पीओ ऐसे, बैंक पीओ ऐसे को स्ट्रक्चर आपको किस तरीके से करना है। मेक अ रफ ड्राफ्ट ऑफ योर ऐसे बाय जॉटिंग डाउन द की वर्ड्स, की फ्रेजेस यू वांट टू मेंशन। मतलब जो पॉइंट्स आप मेंशन करना चाहते हैं, जो पॉइंट्स आपके दिमाग में हैं, 10 या 12 पॉइंट, जो की वर्ड्स या जो की फ्रेजेस आपके दिमाग में, उनको आप सबसे पहले एक जगह आप लिख लें। 8 या 10 पॉइंट आपके पास डेफिनेटली होने ही चाहिए किसी भी टॉपिक पर लिखने के लिए। बट डू नॉट टेक मोर देन 3 मिनट्स फॉर डूइंग सो। मतलब जो आपका ये थिंकिंग प्रोसेस है जिसमें आप ये सारे पॉइंट्स एक जगह लिखेंगे, इसमें 3 मिनट से ज़्यादा आपको नहीं लगने चाहिए एक्चुअल एग्जाम में, क्योंकि 12 मिनट का टाइम आपको एक्चुअल ऐसे लिखने के लिए मिलेगा। ठीक है, 15 मिनट या 18 मिनट आप मान सकते हैं, क्योंकि 12 मिनट में आप लेटर लिखेंगे और 18 मिनट में आप ऐसे लिखेंगे। तो इस तरीके से टाइम को आपको एलोकेट करना है। एम टू राइट अबाउट 400 वर्ड्स इन 12 मिनट्स। मतलब 12 मिनट में आपको 350 से 400 वर्ड लिखने का आपका टारगेट होना चाहिए, और इस टारगेट को अचीव करने के लिए आपकी स्पीड 45 to 50 वर्ड्स per minute की कंप्यूटर पर होना चाहिए। तो डेफिनेटली आपको काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है कंप्यूटर पर। तो ये फर्स्ट पॉइंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसको आप देखें। द फर्स्ट पैराग्राफ विच इज़ द इंट्रोडक्शन विल बी और एसेस फर्स्ट इंप्रेशन। मतलब जो फर्स्ट पैराग्राफ होगा वो फर्स्ट इंप्रेशन होगा, और फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। तो उसको आपको अच्छे तरीके से लिखना है और रीडर के अटेंशन को ड्रॉ करना है। उसमें आप कोई कोटेशन लिख सकते हैं, कोई डेटा लिख सकते हैं, कोई फैक्ट या कोई स्टेटमेंट लिख सकते हैं किसी फेमस व्यक्ति को द्वारा।
तो एक अच्छी शुरुआत होगी ऐसे कि यदि आप इस तरह से लिखते हैं तो द बेस्ट वे टू ड्रॉ द रीडर्स टुवर्ड द रेस्ट ऑफ द एसे ऑन ए पॉजिटिव नोट इज बाय रिलेटिंग योर टॉपिक टू द करेंट इवेंट। जो फैक्ट आपने लिखा है, जो इंट्रोडक्शन में आपने लिखा है, उसको आपको करेंट इवेंट से लिंक करना है आगे की जो पैराग्राफ आप लिखेंगे, और इससे आपका ऐसे बहुत ही इंप्रेसिव हो जाएगा, बहुत ही अच्छा हो जाएगा। यू शुड ऑल्सो हाईलाइट द ओवरऑल सिग्निफिकेंस ऑफ द टॉपिक इन द पैराग्राफ। ठीक है, तो पहले आप इंट्रोडक्शन लिखें, उसके बाद लिंक करें उस इंट्रोडक्शन को करेंट इवेंट से, और उसका सिग्निफिकेंस बताएं कि इसका महत्व क्या है जो आप लिख रहे हैं जिस टॉपिक पर। फॉर एग्जाम्पल, आप ट्रिपल तलाक पर लिख रहे हैं जो कि काफ़ी करेंट है, काफ़ी रिलेवेंट टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बैंक पी एग्ज़ाम के लिए, या GST बिल पर आप लिख रहे हैं, या डीमोनिटाइजेशन पर आप लिख रहे हैं, या रैनसम वेयर पर आप लिख रहे हैं, तो उसका सिग्निफिकेंस क्या है सोसाइटी के लिए, ओवरऑल सिग्निफिकेंस क्या है, वो आपको ज़रूर लिखना है। योर स्टैंस ऑन द टॉपिक शुड ऑल्सो बी क्लियर इन द इंट्रोडक्शन, मतलब आपका जो टेक है उस टॉपिक पर, आपका जो विचार है, जो आइडिया है, जो 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 आप सोचते हैं उस टॉपिक के बारे में, वो एकदम क्लियर होना चाहिए, उसमें कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। और यू शुड बी एबल टू सपोर्ट योर इंफॉर्मेशन थ्रू द डेटा, मतलब आप जो भी लिख रहे हैं, जो भी आपने स्टेटमेंट दिया है, उसको आपको डेटा के द्वारा कंफर्म करना आना चाहिए, सपोर्ट करना आना चाहिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और थर्ड पॉइंट हम देखते हैं कि इनलिस्ट द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द टॉपिक इन द सब्सिक्वेंट पैराग्राफ। यदि मेरिट्स या डीमेरिट्स या प्लस पॉइंट या माइनस पॉइंट एप्लीकेबल हैं उस टॉपिक के बारे में, तो आप ज़रूर लिखें कि इसके प्लस पॉइंट क्या हो सकते हैं या इसके माइनस पॉइंट क्या हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपके एग्ज़ाम में आता है कि इंटरनेट के क्या प्लस पॉइंट हैं और क्या माइनस पॉइंट हैं, क्या प्रोज हैं या क्या कॉन्स हैं, तो वो आपको ज़रूर लिखना चाहिए। या मोबाइल फ़ोन के क्या प्लस पॉइंट हैं, क्या माइनस पॉइंट हैं, तो वो आपको ज़रूर लिखना चाहिए एक ऐसे में। ठीक है, यदि एप्लीकेबल नहीं है प्रोज है कॉन्स, तो आप उसको छोड़ सकते हैं, उसके उसके स्थान पर आप उस टॉपिक का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इम्पैक्ट है सोसाइटी पर, वो आप लिख सकते हैं। हाउ एवर, इफ प्रोज एंड कॉन्स आर नॉट एप्लीकेबल टू योर टॉपिक, देन राइट अबाउट हाउ द इशू, पर्सन, इवेंट बींग डिस्कस्ड इम्पैक्ट द सोसाइटी, मतलब उस इवेंट का या उस पर्सन का या उस कोई भी टॉपिक है, उसका सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, उसके बारे में आपको लिखना है। यदि आप प्रोज या कॉन्स के बारे में आपको लगता है कि ये चीज़ें एप्लीकेबल नहीं हैं, मेक श्योर नॉट टू आर्ग्यू बोथ साइड्स ऑफ द टॉपिक, दो स्टेट द फैक्ट बट हैव ए क्लियर स्टांस। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको फैक्ट्स को स्टेट करना है, लेकिन आपका जो टेक है, आपका जो स्टैंस है उस टॉपिक के बारे में, वो एकदम क्लियर होना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको यदि आप ध्यान में रखते हैं और इनके थ्रू आप प्रैक्टिस करते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आप बैंकिंग, इंश्योरेंस और SSC एग्ज़ाम में आप अचीव कर सकते हैं। कंक्लूड योर बैंक पीओ ऐसे नीटली समराइजिंग योर व्यूज़, मतलब आपको कंक्लूजन ज़रूर करना है अपने अपने ऐसे का, जिसमें आप समराइज कर सकते हैं जो भी आपने लिखा है इंट्रोडक्शन में और मेन बॉडी में। ऑल्सो यूज़ अ कोट, प्रेफरेबली फ्रॉम ए फेमस पर्सन, एक कोटेशन आपको ज़रूर यूज़ करना है। मेक श्योर दैट योर कंक्लूजन इज इन हारमोनी विद योर इंट्रोडक्शन, मतलब इंट्रोडक्शन में आपने जो कहा है वही आपको कंक्लूजन में कहना है, उसको कंक्लूड करना है। ऐसा नहीं है कि इंट्रोडक्शन में आप कुछ और बोल रहे हैं और उससे उल्टा आप बोल रहे हैं कंक्लूजन में, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब एक हारमोनी होनी चाहिए, एक हारमोनाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड वे में आपका पूरा ऐसे लगना चाहिए, एंड डजेंट कॉन्ट्राडिक्ट इट, मतलब आपका कंक्लूजन आपके इंट्रोडक्शन से अलग नहीं होना चाहिए। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। और 50 मार्क्स का टेस्ट होता है, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें यदि आप क्वालिफाई करते हैं तभी आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हो पाएंगे, और यदि इसमें आप डिसक्वालीफाई हो जाते हैं तो प्री के मार्क्स आपके और मेंस के मार्क्स वो सारे ख़राब हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे। तो इसलिए इसकी आप तैयारी बहुत ही सिंसियरिटी के साथ करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें आप कंप्यूटर पर। देखिए, ये प्रीवियस ईयर के जो प्रीवियस ईयर जो एग्ज़ाम हुआ था SBI का, उसमें ये सारे टॉपिक आए थे, तो यहाँ से आप देख सकते हैं, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि बैंकिंग एग्ज़ाम में किस तरह के टॉपिक्स पूछे जाते हैं। देखिए, एक आधार कार्ड का काफ़ी इम्पोर्टेंट है, टू व्हाट एक्सटेंट इज़ आधार यूजफुल, आधार कार्ड किस तरीके से यूजफुल है, इसमें आपको ये लिखना है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हो सकता है इस साल के लिए। वीमेन सेफ्टी इन वर्क प्लेस, ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वीमेन एम्पावरमेंट भी दिया जा सकता है एग्ज़ाम में। और हाउ इज़ इकनॉमी रिलेटेड टू कॉमन मैन,
जो इकोनॉमी है वो कॉमन मैन से किस तरीके से रिलेटेड है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गिव आइडियाज़ टू इरेडिकेट अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट को किस तरीके से इरेडिकेट किया जा सकता है। और टैक्सेशन के बारे में पूछा गया है, मॉनसून के बारे में पूछा गया है, ई कॉमर्स बिजनेस के बारे में पूछा गया है। डिस्कस द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ OROP, वन रैंक वन पेंशन। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लेकिन इस साल का जो IBPS PO 2017 होगा या जो भी बैंकिंग एग्ज़ाम आगे होंगे उनके लिए डेफिनेटली ये पांच टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। और यदि ये पांचों टॉपिक आप तैयार कर लेते हैं तो डेफिनेटली इसमें से एक ऐसे ज़रूर आएगा और आप डेफिनेटली श्योर हो सकते हैं कि अच्छे मार्क्स आप अचीव करेंगे। साइबर सिक्योरिटी का ये जो टॉपिक है ये काफ़ी रेलिवेंट है, काफ़ी करेंट है। रैंसमवेयर अटैक, ये इसी से रिलेटेड है। डीमोनेटाइजेशन डेफिनेटली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। GST बिल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ट्रिपल तलाक, ये पांच ऐसे IBPS PO 2017 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। साइबर सिक्योरिटी, रैंसमवेयर अटैक, डीमोनेटाइजेशन, GST बिल एंड ट्रिपल तलाक। तो इसके अकॉर्डिंग आप तैयार कर सकते हैं। ये कुछ और टॉपिक मैंने एक्सपेक्टेड टॉपिक IBPS PO 2017 के लिए लिखे हैं और इनमें से भी काफ़ी टॉपिक पूछे जा सकते हैं। जैसे जैसे द बेन ऑफ NPA इन द कंट्री, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स जो हैं, जो बैड लोन्स हैं, उसके बारे में पूछा जा सकता है आपसे डेफिनेटली। स्वच्छ भारत अभियान, ये एक इम्पॉर्टेंट हो सकता है। आधार कार्ड का क्या स्कोप है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। RTI के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। और रिजर्वेशन, ये भी करेंट टॉपिक है, इसके बारे में आप तैयार कर सकते हैं। ठीक है, असेस द रोल ऑफ स्पोर्ट्स एक्टिविटी ऑन द इकोनॉमी ऑफ ए कंट्री, ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। वन रैंक वन पेंशन का इम्पोर्टेंट हो सकता है और वीमेन सेफ्टी के ऊपर है ये, तो ये टॉपिक भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हो सकते हैं आपके लिए, इनके बारे में आप तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक सैम्पल ऐसे दिया है, ये वीमेन इंटरप्रेन्योर इन इंडिया, मतलब बिजनेस की फील्ड में जो फीमेल लीडर्स हैं उसके बारे में आपको लिखना है, वीमेन ऑन्टरप्रेनोर्स इन इंडिया। तो एक अच्छा टॉपिक है ये। देखिए, पहला आपने सिंपल वे में इसको बिल्कुल शुरुआत करनी है आपको। द वर्ड ऑन्टरप्रेनोर हैज़ मोस्टली बीन सिनोनिमस विद मैन, मतलब बिजनेस को हम लिंक करते हैं मैन के साथ, फीमेल के साथ हम बिजनेस को नॉर्मली लिंक नहीं करते। तो एक सिंपल सी लाइन आपने लिखी है, यहाँ पर आप एक कोटेशन भी दे सकते हैं। इन द 21st सेंचुरी दो थिंग्स आर चेंजिंग एंड मैनी सक्सेसफुल फीमेल ऑन्टरप्रेनर्स हैव इमर्ज्ड, दीज वुमेन आर बिकमिंग रोल मॉडल्स एंड आर फ्लरिशिंग इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड्स, मतलब बिजनेस की फील्ड में अब महिलाएं भी काफ़ी आगे आ रही हैं और अपनी अपनी फील्ड में अपना परचम वो लहरा रही हैं। तो ये काफ़ी अच्छा टॉपिक है और इसके बारे में काफ़ी आसानी से काफ़ी कुछ लिखा जा सकता है। देयर कॉन्फिडेंस एंड रिफ्यूजल टू बी डोमिनेटेड बाई मैन हैज़ इंस्पायर्ड मैनी मोर वीमेन अक्रॉस द कंट्री, मतलब उनका जो कॉन्फिडेंस है और वो डोमिनेट होना, मैन मैन डोमिनेट सोसाइटी से वो डोमिनेट होना पसंद नहीं करती, ये एक अच्छी चीज़ है सोसाइटी के लिए। दिस वीमेन हैव बीन एक्नोलेज्ड इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड्स एंड हैव इवन रिसीव्ड एकोलेट्स फॉर देयर वर्क, मतलब इन महिलाओं को सराहा गया है अपनी अपनी फील्ड्स में, उनको काफ़ी अवार्ड वगैरह मिले हैं, प्रशंसा मिली है अपने काम के लिए। तो यहाँ पर आपने इंट्रोडक्शन दिया एक सिंपल से वे में, आपने बताया कि किस तरीके से वीमेन ऑन्टरप्रिनर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंडिया के अंदर। ये चार पांच लाइनें लिखी हैं आपने, 1, 2, 3, 4 और 5, पांच लाइनों में आपने एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन दिया। अब इस आपने यहाँ पर जो लिखा है इसको आप फैक्ट्स के द्वारा सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपने काफ़ी सारे जो फीमेल लीडर्स हैं उनके एग्जाम्पल दिए हैं, उसके द्वारा आपने जो इंट्रोडक्शन में बोला है उसको सपोर्ट किया है। यहाँ पर सेकंड पैरा में इन लेमेंस टर्म्स, मतलब एक साधारण भाषा में यदि हम बोलें तो एंटरप्रेन्योरशिप इज़ बेसिकली रनिंग योर ओन बिजनेस। एंटरप्रेन्योरशिप क्या है कि अपना खुद का बिजनेस रन करना। द पर्सन हु हैज़ एन आइडिया एंड हु एग्जीक्यूट्स दिस आइडिया एंड मेक श्योर दैट इट फंक्शन स्मूथली इज कॉल्ड एन एंटरप्रेन्योर। तो ऑन्टरप्रिनर्स कैन ऑल्सो हैम आ बिजनेस एंड मेक श्योर इट रन स्मूथली। हैम एक्चुअली होता है जो जो फोर व्हीलर में जो जो जिसके थ्रू हम गाड़ी को चलाते हैं, जो पहिया होता है, जो व्हील होता है, उसको हम हैम बोलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि बिजनेस को आप स्मूथली किस तरीके से रन कर सकते हैं। सम ऑफ द मोस्ट फेमस वीमेन ऑन्टरप्रिनर्स इन इंडिया आर चंदा कोचर,
जो कि एमडी हैं आईसीआईसीआई बैंक की, सिमोन टाटा जो कि चेयरपर्सन है ट्रेंट लिमिटेड की, नीलम धवन जो कि एमडी है एचपी इंडिया की, नैनालाल किदवई जो कि कंट्री हेड है एचएसबीसी बैंक की, और किरण मजूमदार जो कि बायोकॉन की हेड है। तो यहाँ पर आपने ये फैक्ट्स दिए हैं और इंट्रोडक्शन में आपने जो बोला है उसको यहाँ पर सेकंड पैरा में आपने सपोर्ट किया है, और यहाँ पर आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं कि वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप किस तरीके से फेमस होती जा रही है, किस तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएँ बिजनेस की फील्ड में आ रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये बोल सकते हैं, इस पैरा में आप ये बोल सकते हैं, और इस पैरा में और आप एक्सपेंड कर दीजिए। यहाँ पर आप एक कोटेशन भी लिख सकते हैं, एक अच्छा सा कोई कोटेशन लिख के इसको एंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप पढ़ सकते हैं, और यहाँ पर मैंने मीडिया एंड पब्लिक ओपिनियन के बारे में बताया है। तो यहाँ पर देखिए कितने अच्छे तरीके से इसको इंट्रोड्यूस किया है, बिफोर आई डेल्व इन टू द इंट्रीकेसीज ऑफ द टॉपिक, मतलब इससे पहले कि मैं टॉपिक की जो कॉम्प्लेक्सिटी है, टॉपिक की जो माइन्यूट पॉइंट्स हैं उसके बारे में बात करूँ, लेट अस गो बैक टू द टाइम व्हेन देयर वर नो टीवीज। उस टाइम में हम चलते हैं जब उस समय कोई टीवी नहीं था, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं था, कोई न्यूज़पेपर नहीं था। इन दोज डेज डू यू थिंक यू वुड नो वाई, से फॉर इंस्टेंस डॉक्टर रघुराम राजन वॉज, मतलब उस टाइम में यदि हम जी रहे होते जब कोई टीवी नहीं था, कोई एडवर्टाइजमेंट या न्यूज़पेपर नहीं था, तो उस समय हमें कैसे ये जानकारी मिलती कि रघुराम राजन कौन है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट पैरा है उसमें रीडर का ध्यान खींचने की कोशिश की गई है, बहुत अच्छे तरीके से इसको लिखा गया है, और दूसरे पैरा में फिर उसको एक्सपेंड किया गया है बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। आप इसको रोक के इसको आसानी से आप पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये पूरा बताया है मीडिया के बारे में कि किस तरीके से मीडिया का इम्पैक्ट पड़ता है, और मीडिया किस तरीके से इम्पोर्टेंट है एक डेमोक्रेसी के लिए। मीडिया को हम फोर्थ पिलर भी बोलते हैं, जैसे डेमोक्रेसी के तीन पिलर होते हैं उस तरीके से मीडिया इसमें फोर्थ पिलर के नाम से भी जाना जाता है। जैसे एक होता है जुडिशरी, एक होता है एग्जीक्यूटिव, और एक होता है आपका पार्लियामेंट। तो ये तीन पिलर्स होते हैं, लेजिस्लेचर जिसको हम बोलते हैं, तीन पिलर्स, और चौथा पिलर जो होता है वो मीडिया होता है। तो इसको भी, इसके बारे में भी आप बोल सकते हैं आप। और यहाँ पर देखिए ये समराइज़ किया गया है, यहाँ पर हमने इसको समराइज़ किया गया है। यहाँ पर आप एक कोटेशन भी लिख सकते हैं, एक अच्छा सा कोई कोटेशन किसी फेमस व्यक्ति का, वो आप लिख के एक अच्छा सा ऐसे आप बना सकते हैं। तो एक अच्छा तरीका है ऐसे लिखने का। तो इस वीडियो क्लास के बारे में यहाँ पर मुझे आप फीडबैक दें कि कैसा लगा, और भी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जैसे जीएसटी बिल है या डीमोनेटाइजेशन, उसके बारे में भी ऐसे मैं अपलोड करूँगा, और उनके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर अपना फीडबैक आप मुझे दें, और यदि ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज़ आप लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से लेके इसके थ्रू आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, test.englishadvantage.in। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।